टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा अंतिम वनडे मुकाबला बेहद शानदार तरीके से भारतीय टीम के कोटे में आ तो नहीं रहा, लेकिन मुकाबला अब बेहद कमाल का हो गया है। दरअसल श्रीलंका को अब चाहिए 80 गेंदों में 32 रन और भारतीय टीम फिलहाल इस मुकाबले में पिछड़ जरूर रही है, लेकिन भारतीय टीम ने श्रीलंका को दे दिया है पांचवा झटका। दरअसल राहुल चहर ने भारतीय टीम को सांसें तब दी जब 33वें ओवर में यहां पर राहुल चहर ने चटकाया श्रीलंका के कप्तान दसुन शनाका का विकेट। जी हाँ, दसुन शनाका बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में थे और उनका विकेट यहां पर राहुल चहर ने गिराकर श्रीलंकाई टीम को बैकफुट पर ढकेला। हालांकि 32 रन दूर है श्रीलंका की टीम जीत से, 5 विकेट सिर्फ उनके गिरे हैं, 5 विकेट उनके हाथ में है। अभी भी उनके पास बैटिंग काफी अच्छी है, उनके पास अभी भी रमेश मेंडिस है, चमिका करुणा रत्ने ने अभी आना है, दुष्मंता चमीरा अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, अकेला धनंजय बैटिंग कर सकते हैं, तो बैटिंग उनके पास काफी है। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल चहर के इस विकेट ने एक बार फिर टीम इंडिया को मैच में वापसी करा दी। अब ये देखना होगा कि यहाँ से इस मुकाबले का निर्णय क्या निकलता है। जो भी निर्णय निकले, मुकाबला जो है वो बेहद टक्कर का हो रहा है। इस टीम में वो दमखम है, ये टीम आसानी से बैकफुट पर नहीं जाएगी, ये टीम वो है जो आसानी से पीछे नहीं मुड़ेगी, ये टीम वो है जो आसानी से हार नहीं मानेगी। अब ये देखना होगा कि श्रीलंकाई टीम यहाँ से कैसा खेलती है। हालांकि श्रीलंका के लिए अच्छी खबर ये है कि अविष्का फर्नांडो अभी भी क्रीज पर टिके हुए हैं, बड़ी शॉट्स खेल के वो मैच जिता सकते हैं, रन्स बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं भारत के पास। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से टीम इंडिया आगे अप्रोच करती है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।